स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 101 जो कि क्लास 9th लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 7 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा जिसका पुनरावृत्ति रिविज़न कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है हम शक्ति पढ़ रहे थे। अब एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य के दर्प के रूप में प्रयोग की गई ऊर्जा के दर्प में परिभाषित किया जा सकता है। ये उसकी एक परिभाषा सी भी हो गई। अब यदि कोई भी अभिकर्ता यानी एजेंट टी समय में यानी कोई भी समय में कार्य करता है तो उसकी शक्ति का मान शक्ति का उसका फॉर्मूला निकल जाता है। शक्ति को पी से यूनिट करते हैं, कार्य किया गया कार्य को डब्ल्यू से और लिया गया समय को टी से टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला निकलता है पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी। अब शक्ति का मानक यानी किया गया कार्य बटे में किया लिया गया समय। तो किया गया कार्य का क्या होता है, मात्रक जूल होता है और समय का सेकंड। तो जूल पर सेकंड यानी वॉट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है। औसत शक्ति निकालने के लिए कुल प्रयोग की गई ऊर्जा और लिया गया कुल समय। अब एक वॉट यानी यदि किसी वस्तु द्वारा एक सेकेंड में एक जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसे हम एक वॉट कहते हैं। शक्ति के अन्य मात्रक भी हो सकते हैं, जैसे 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट में 1 किलो आ गया यानी 1000 वॉट और 1 मेगावाट में 10^6 वॉट, 1 गीगावाट में 10^9 वॉट। नेक्स्ट है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। अब जो ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाया जाता है जैसे किलोवाट कहते हैं, यानी 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा को हम 1 किलोवाट पर आर कहते हैं, यानी किलोवाट घंटा kWh एक यूनिट हम कहते हैं जब व्यावसायिक मात्रक हो, यानी 1 किलोवाट इंटू 1 आर। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, 1 आर में 3600 सेकेंड होते हैं। इसको इससे इंटू करेंगे 3.6 × 10^6 जूल जो हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए। तो एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसका मात्रक इसका मात्रक जो है वॉट होता है WT। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक वॉट को परिभाषित करें। तो एक वॉट को परिभाषित करने के लिए आप लिखेंगे यदि किसी वस्तु द्वारा एक सेकेंड में एक जूल कार्य की प्रयोग किया जाता है तो उसकी शक्ति 1 वॉट कहलाती है। तीसरा प्रश्न है व्यावसायिक मात्रक तथा ऊर्जा के SI मात्रक के बीच क्या संबंध है। तो 1 किलोवाट पर आर यानी 1 किलोवाट इंटू का जो 1 किलोवाट आर यानी 1 kWh ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। इसे निकालने के लिए अभी हमने देखा 1000 वॉट गुणा 3600 सेकेंड यानी 3.6 × 10^6 106 नहीं है, ये हमारा 3.6 × 10^6 जूल है। नेक्स्ट है 60 किलो भार का एक आदमी है 15 सेकंड में 30 कदम की दौड़ दौड़ता है। यदि प्रत्येक कदम 20 सेंटीमीटर ऊंचा है तो आदमी द्वारा विकसित शक्ति परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें मास दे रखा है वो हमें 60 किलो दे रखा है, तो आप m इज इक्वल टू 60 किलोग्राम लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमें दे रखा है यहाँ पे 30 कदम और 20 कदम ऊँचा है, तो हम हाइट निकाल लेते हैं 30 × 20, तो ये हमारा आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। सेटो 600 सेंटीमीटर है तो हम इसे 6 मीटर भी लिख सकते हैं। देन हमें देखना है इसका, सबसे पहले हम किया गया कार्य निकालते हैं, तो आप लिखेंगे किया गया कार्य इक्वल में MgH। किया गया कार्य M हमारा 60 है, G हमारा 10 ले लेते हैं और H हमारा हाइट हमारी यहाँ पे दे रखी है 6 मीटर, तो 6 × 10 × 6 करेंगे तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 3600 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये तो हमारे किया गया कार्य है, अब हमें पावर निकालनी है यानी हम इसे तो यहाँ पे आप देखेंगे 3600 आया। अब टाइम हमें कितना दे रखा था 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड से इसे डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 240 वॉट, तो आप इसमें 240 वॉट आंसर कर लेंगे। तो ये थी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th है एक बल्ब जो है 2000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकेंड में कर लेता है तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो 2000 जूल वो 10 सेकंड में कर लेता है, तो शक्ति निकालने के लिए ऊर्जा बट्टे में समय 2000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 16 की जगह 10 कर लेंगे तो हमारा 200 वॉट आ जाएगा, तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।